Hello everyone, I'm Namrata. I'm Amrita. Welcome to our food channel, Recipe of the Day. Today's recipe is paneer cutlet. आज हम घर में बहुत ही टेस्टी एंड इजीली बनने वाला पनीर कटलेट बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको घर में बनाने के लिए। चलिए पहले इसका टेक्सचर देख लेते हैं। हमारा कटलेट वाओ इज परफेक्टली कुरकुरे फ्रॉम आउटसाइड एंड परफेक्टली सॉफ्ट एंड यमी फ्रॉम इनसाइड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल रेसिपी ऑफ द डे को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स का चेकलिस्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम का ग्रेटेड पनीर। यहाँ पे उबले हुए आलू को हमने मैश करके रखा है, दो उबले आलू थे। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न जिसको उबाल के रखा है। यहाँ पे हमने लिया है फाइनली चॉप्ड कैबेज, कैप्सिकम, ग्रेटेड कैरेट, ओनियंस, पुदीना, ग्रीन चिल्ली, ग्रेटेड जिंजर एंड सम फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी लिया है। चलिए पहले सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने उबले हुए आलू में पनीर को मिक्स कर लिया है। अब उसमें सारे के सारे वेजीज ऐड कर लीजिए। आपके पास घर में जो भी इजीली अवेलेबल वेजीज है आप उसके साथ बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और याद रखिएगा, जितना फाइनली चॉप किए होंगे उससे अच्छा बनेगा हमारा टेक्सचर एंड हम अच्छे से उसको बाइंड कर सकेंगे। चलिए वेजीज सब ऐड हो गया है, अब इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है एंड टेस्ट में भी बहुत ही यम्मी लगेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा अजवाइन लिया है जिसको हमने थोड़ा सा हाथ से मैश करके डाला है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला एंड टेस्ट के हिसाब से नमक। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाथ से मिक्स करने से ये बहुत अच्छा टेक्सचर रहेगा, इसलिए बेटर अब उसको हाथ से मिक्स कर लीजिए। इसको हमें एक सॉफ्ट डो की तरह बनाना है। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहे तो 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब उसको थोड़ा टाइम सेट होने दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं रखिएगा, नहीं तो वेजिज से वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और उसका टेक्सचर ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा। बस थोड़ा ही टाइम के बाद देखिए ये परफेक्टली सेट हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। इसको हम बैटर बनाएंगे, जो कि बहुत ही पतला लेयर का बैटर बनेगा। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अब उसको हल्का हल्का धीरे धीरे से पानी ऐड करते करते हम एक पतला घोल का बैटर बनाएंगे। देखिए इसका थिकनेस, ये टोटल बैटर बनाने के लिए हमने 1 कप ऑफ वाटर यूज़ किया है। चलिए अब जैसा शेप चाहिए कटलेट का उसी टाइप का आप शेप बना दीजिए। यहाँ पे थोड़ा गोल बना के हमने उसको प्रेस करके फ्लैट बना दिया है। सो चारों तरफ से ऐसे प्रेस कर लीजिए। अब उसको उसी बैटर में एक बार डुबा के अब उसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिए। देखिए बिल्कुल आराम से कीजिएगा, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब उसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। देखिए हमारा कटलेट रेडी हो गया है। अब उसको रेफ्रिजरेटर में 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब उसको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है एंड कटलेट भी रेडी हो गए हैं रेफ्रिजरेटर होके। देखिए इसका टेक्सचर रेफ्रिजरेटर में रहने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जिससे आपको फ्राई करने में इजी होगा। अब आप साइज़ के हिसाब से कटलेट डाल दीजिए।
बिना शेक किए उसको थोड़ा टाइम अच्छे से फ्राई होने दीजिए। अब उसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड से हल्का हल्का ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, थोड़ा देर मीडियम फ्लेम में ही उसको पकने दीजिएगा, जिससे कि वो अंदर का वेजीज भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब इसको एक और छन्नी से निकाल के अच्छे से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और इसको एक टिश्यू पेपर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। चलिए हमारा कटलेट बनके रेडी हो गया है। अब इसको सर्विंग बाउल में डाल दीजिए। टेक्सचर तो हमने आपको पहले दिखाया चुकी हूँ, वो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी एंड वो बिल्कुल माँ के जैसा टेस्ट लगेगा। अब इसको मेयोनीज, चिली सॉस या टमाटो सॉस, जो भी आपका पसंद है, उसके साथ मानसून में एंजॉय कीजिए। चलिए ब्रेड क्रम का रेसिपी भी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।